दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गधा दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो सब जानवरों से ज़्यादा मेहनत करता है। वो ना तो किसी को परेशान करता है और ना ही किसी दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में मौजूद हर निकम्मे, हर जाहिल और हर आवारा शख्स को हम गधा के अगर पुकारते हैं, इसके मुकाबले में शेर जंगल का वो वाहिद जानवर है जो सबसे ज़्यादा जालिम और जाबिर है। ना तो वो मेहनत करता है और ना ही किसी को परेशान करने से बाज आता है, बल्कि वो तमाम जानवरों के लिए बाएं से ख़तरा होता है, क्योंकि वो किसी भी जानवर को किसी भी वक्त चीर फाड़ कर खा सकता है। अगर इन दोनों की मजमूई खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए मवाजना किया जाए तो गधा एक मज़लूम तरीन जानवर जबकि शेर एक ज़ालिम तरीन जानवर मालूम होता है, लेकिन हमारे माशरे में मौजूद हर फर्द वाहिद खुद को गधा कहलवाने पर नाराज़ जबकि शेर कहलाने पर खुश होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद अरबाज़ खान हूँ। लेकिन दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। वो कुछ यूं कि गधा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एक हकीर जानवर है जबकि शेर इतना ज़्यादा जुल्म बर्बरियत करने के बाद भी जंगल का बादशाह होने के साथ साथ एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जानवर है कि अशरफुल मखलूकात भी तस्बीह देने के लिए शेर को ही इस्तेमाल करते हैं। आखिर कौन सी वो वजह है जिस जो मेहनती जानवर को हकीर तरीन जानवर और जालिम जानवर को मुअज़्ज़ज़ जानवर बनाती है? वो ये है कि गधे ने भी एक सोच बनाई हुई है और शेर ने भी अपनी एक सोच बनाई हुई है। गधे की ये सोच है कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लाचार हूँ, मैं किसी के ताबे हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। वहीं पर शेर की ये सोच है कि इस जंगल का हर जानवर मेरा शिकार है, मैं किसी भी जानवर को खा सकता हूँ, चाहे वो ताकतवर हो या ताकतवर ना हो। और यही सोच का फ़र्क हम इंसानों में भी है। इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग कामयाब हैं जो कि शेर किसी सोच रखते हैं, और 95% लोग नाकाम हैं क्योंकि वो गधे जैसी माजरत के साथ सोच रखते हैं, क्योंकि वो अपनी गुर्बत को वजह बताते हैं, अपने सोर्सेस को वजह बनाते हैं, अपनी मजबूरियों को वजह बनाते हैं कि हम इन वजूहात से कामयाब नहीं हो पाए। इसी दुनिया में मौजूद एक शख्स अपनी तमाम दौलत इकट्ठी करके अपने घर में छुपा देता है और अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का अमीर तरीन इंसान बन जाता है, तो वहीं पर एक शख्स अपनी तमाम कंपनी, अपनी तमाम दौलत, अपना घर समेत बेच कर अपने कारोबार में लगाकर दुनिया का रईस तरीन इंसान, अमीर तरीन इंसान एवन मॉस्क बन जाता है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ सोच का है। किसी गली में खड़ा खिलाड़ी ये सोच कर ट्रायल देने नहीं जाता कि मेरे अब्बू मुझे मारेंगे, मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, वहीं पर दुनिया में मौजूद ही एक शख्स अपने बाप की लाश को घर पे छोड़कर जाकर सेंचुरी स्कोर करता है जिसका नाम विराट कोहली है। तो ये फ़र्क सिर्फ सोच का ही है। देखिए, कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता और ना ही कामयाबी को इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, बल्कि कामयाबी एक अचीवमेंट है जिसे स्ट्रगल के बाद, जिसे मेहनत के बाद हासिल किया जाता है। अगर इस दुनिया में आपका कोई भी अजीज तरीन इंसान आपको ये कह रहा है कि कामयाबी एक रात में हासिल की जा सकती है, तो समझ जाएं कि वो रॉन्ग नंबर है, क्योंकि कामयाबी कभी भी एक रात में हासिल नहीं की जा सकती। किसी इलाके के दो लोगों ने दो बीज बोए, कुछ दिनों के बाद उन दोनों बीजों में से एक बीज से कुछ पौधा बाहर निकलता है और साथ वाले पौधे को कहता है कि क्यों बे, अभी तक बाहर नहीं निकला, तुझे अपने मालिक का ज़रा भी एहसास नहीं है। कुछ दिन गुजरते हैं तो वो पौधा जो निकला हुआ होता है ज़मीन से, वो मज़ीद ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन वो अभी तक दूसरा बीज नहीं फल पाता। वो कुछ मज़ीद बड़ा होता है, बड़ा होता 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 एक तना आवर दरख्त बन जाता है, लेकिन दूसरा बीज अभी तक नहीं उग पाता। वो बड़ा दरख्त उससे कहता है कि कुछ तो शर्म कर, तुझे अपने मालिक का ज़रा भी एहसास नहीं है, कितना एहसान फरामोश है। वो तुझे पानी देता है, वो तुझे खाद देता है, वो तुझे अद्वियात देता है, लेकिन तू है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता, कुछ शर्म कर। कुछ साल गुजरने के बाद वो दरख्त 20 फुट की ऊंचाई पर पहुँच जाता है। एक मरतबा फिर वो दूसरे बीज को कहता है कि तुझे ज़रा भी शर्म नहीं है, तुझे ज़रा भी एहसास नहीं है अपने मालिक का, तू बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। 5 साल गुजर जाने के बाद उस बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है और जो ही निकलता है
उसके निकलने के एक साल के बाद वो 90 फीट की बुलंदी पर जाकर उस दूसरे 20 फुट वाले दरख्त से कहता है कि देख लो, जिन्होंने बहुत ऊपर जाना होता है, जिन्होंने आसमान की बुलंदियों पे जाना होता है, उन्हें निकलते हुए बड़ा वक्त लगता है, उन्हें बड़ा वक्त लगता है निकलने में। कामयाबी कभी भी एक रात में डाउनलोड नहीं की जा सकती और ना ही कामयाबी को कहीं से अपने अंदर इंस्टॉल करवाया जाता है। ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है जिसे करने के बाद इंसान कामयाब हो पाता है।